गुड आफ्टरनून बच्चों, आज मैं आपके सामने गया गाइडेंस के तहत जो उपस्थित हुआ हूँ उसमें 11th क्लास का जो भारतीय संविधान में अधिकार चैप्टर है उसका लास्ट क्लास, और आज मैं निष्कर्ष के रूप में ये पूरे चैप्टर का सार भी बताऊंगा और लास्ट में जो कुछ मुद्दा छूट गया है उसके उस पर मैं आना चाहता हूँ। तो लास्ट मुद्दा है हमारा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपको मैं बता दूं, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब मौलिक अधिकार चल रहा था तो एक बार एक प्रसंग बस आया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से किसी ने पूछा कि आप कोई ऐसे अनुच्छेद का नाम लीजिए जिसके बिना पूरा का पूरा संविधान शून्य प्राय हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैं आर्टिकल 32 के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं ले सकता। यानी कि आर्टिकल 32 क्या था? मौलिक अधिकार, 12 से 35 के बीच में है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये आत्मा और हृदय है। तो अब नीति निर्देशक तत्व के बारे में चलते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, तो अगर भाग तीन में जो मौलिक अधिकार है, भाग तीन को अगर आत्मा और हृदय कहा जाता है तो भाग चार जो कि नीति निर्देशक तत्व है उसे चेतना कहा जाता है। अब आप चेतना समझते होंगे क्या है। चेतना अगर ना रहे आदमी में तो शिथिल बैठा हुआ रहेगा, मतलब कुछ करेगा ही नहीं। चेतन शक्ति मतलब एक्टिवली जो ऊर्जा, एक्टिव ऊर्जा, वही चेतन शक्ति है उसकी। यानी कि संविधान की आत्मा और हृदय अगर मौलिक अधिकार है तो नीति निर्देशक तत्व चेतना है। चेतना जगाता है लोगों में, यही है DPSP। एक शॉर्ट रूप में आप ये जानिए कि DPSP क्या है, चेतना के रूप में काम करता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व नीति को निर्देश करते हैं। ये तत्व, ये ऐसे तत्व हैं जो कि राज्य को निर्देश करते हैं कि आप ये अगर नहीं करेंगे तो आप लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कर पाएंगे। एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ये जरूरी है। और आप जानते होंगे कि संविधान सभा के जो सलाहकार थे उसमें सबसे प्रमुख सलाहकार का नाम BN Rao था। BN Rao बहुत ही प्रतिभाशाली थे, वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी जस्टिस रह चुके थे। और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था संविधान सभा में कि मौलिक अधिकार दो तरीके के होने चाहिए। एक मौलिक अधिकार ऐसा जिसको कि न्यायालय संरक्षण दे, एक मौलिक अधिकार ऐसा जो सब लोग उसे मानना चाहिए सजेशन के रूप में। तो इसी को मौलिक अधिकार 2 बताए थे वो, कि एक मौलिक अधिकार 1 जो आप 12 से 35 देखे, मौलिक अधिकार 2 ये। लेकिन मौलिक अधिकार 2 के रूप में तो विकसित नहीं हो पाया, उसी का नाम रख दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है। बस ये ऐसा है कि कोई भी जो सत्ता में आएंगे वो अगर DPSP को फॉलो नहीं करेंगे अच्छे तरीके से तो वो अपने आप लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से उनका जो है लोकप्रियता खत्म हो जाएगा और अगले इलेक्शन में वो जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बराबर जीत दर्ज करते रहना है तो DPSP को अधिक से अधिक फॉलो करिए, यही है DPSP का महत्व। तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 36 से 51 में, अनुच्छेद 36 से 51, ये DPSP की चर्चा है और संविधान के भाग 4 में ये बताया गया है। और जैसा कि मैं अभी पहले बता रहा था, इसे कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। 1951 की बात है, चंपर दुरई राजन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच में टकराव होता है तो नीति निर्देशक तत्व ही प्रभावी होगा, सॉरी नीति निर्देशक तत्व अप्रभावी हो जाएगा और मौलिक अधिकार प्रभावी हो जाएगा। मौलिक अधिकार को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार के अधीन होगा। 1951 के वाद में स्पष्ट निर्देश आया था सुप्रीम कोर्ट का। तो नीति निर्देशक तत्व जो ये कहां से लिया गया है, आपको पता है कि भारतीय संविधान में पूरे दुनिया भर के अच्छे अच्छे संविधान से बहुत सारे स्रोत लिए गए हैं, इसीलिए हमारा संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बन पाया। तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसमें नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 है उसकी चर्चा मैं सीरियली नहीं करूंगा, उसे वर्गीकृत करके मैं करूंगा। तो ये 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है सोशलिस्ट,
प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, यानी कि समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत, इन तीनों सिद्धांत में वर्गीकृत करके जो जो अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत, जो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है और लिबरल उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इस तरह से वर्गीकृत करके मैं यहां पे चर्चा करूंगा। तो एक देखिए यहां पे समाजवादी प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 43, 43 और 47। फिर गांधीवादी प्रिंसिपल में आता है 40, 43, 43, 46, 47 और 48। और उदारवादी में आता है आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51। तो इसी तरह से सीरियली मैं यहां पे चर्चा करने जा रहा हूं। आर्टिकल 36 है राज्य की परिभाषा, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है पूरे संविधान में राज्य की दो जगह परिभाषा दी गई है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36। और यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 के तहत वही होगी जो आर्टिकल 12 में है। इसको सीधे तौर से कह सकते हैं आर्टिकल 12 बराबर 36। मैं आपको यहां पे दिखाने का कोशिश किया हूं आर्टिकल 12 बराबर 36। और ये क्या है राज्य की परिभाषा? तो राज्य की परिभाषा वो नहीं है जो सिद्धांतवादी राज्य में होता है कि राज्य संप्रभु होना चाहिए, क्षेत्र उसका स्वतंत्र होना चाहिए, ये नहीं। राज्य वो सारी सरकारी संस्थाएं हैं जिससे सरकार प्रभावित होती है, जो कि मौलिक अधिकार में बताया गया था, ठीक वैसा ही यहां भी राज्य की परिभाषा होगी। यानी कि कोई सरकारी संस्था जो और कोई प्राइवेट संस्था भी जो सरकार को प्रभावित करे वो राज्य है। जैसे पिछले बार मैंने बताया था BCCI जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसको भी बताया गया था कि आपको सूचना का अधिकार देना पड़ेगा, सूचना का अधिकार का जवाब देना पड़ेगा। तो राज्य के संस्था के अंतर्गत BCCI को भी रख दिया गया। यानी कि ऐसी संस्थाएं जो राज्य सरकार से जुड़ी हो और प्राइवेट भी हो, अगर राज्य सरकार को प्रभावित करती हो तो राज्य है। ये है आर्टिकल 12 और 36 दोनों में तो राज्य की परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 37 में क्या है? आर्टिकल 37 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये बाध्यकारी नहीं है, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। बस ये लोक कल्याणकारी राज्य पर जोर डालता है कि अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो अपने आप अलोकप्रिय हो जाएंगे, लोकप्रियता खत्म हो जाएगा आपका। एक सजेशन के रूप में है, ये एक अच्छा निर्देश देती है राज्य सरकार को, ये नीति निर्देशक तत्व। तो आर्टिकल 37 में यही है। अब हम चलते हैं तीनों सिद्धांत के अलग अलग उस पर वर्गीकृत करते हैं। तो समाजवादी सिद्धांत जहां तक है, समाजवादी सिद्धांत में सबसे पहले अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में है कि राजनीतिक न्याय और व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यह आर्टिकल 38। लोक कल्याणकारी क्या है? कि राज्य ऐसे ऐसे नीति बनाए जो लोगों के कल्याण के लिए हो, यही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। आर्टिकल 39, राज्य विशेष रूप से कुछ नीतियों को सुरक्षित दिशा में कार्य करने के लिए स्थापित करेगा। जैसे कि आप सुने होंगे कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, अभी 4-5 साल पहले से बहुत ज्यादा इस पर बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, समान काम समान वेतन। हाल फिलहाल बिहार में टीचर लोग भी बोले समान काम समान वेतन, उसमें आंदोलन भी चला, जबकि वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, न कि मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता तो समान काम समान वेतन कब का हो जाता। बस ये है कि अगर आप समान काम समान वेतन कर देंगे तो ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी और इसे आप लोकप्रियता हासिल करेंगे और आगे आप सरकार बनाते रहेंगे। इसीलिए ये राज्य को एक अच्छे दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। तो उसके बाद है आजीविका का पर्याप्त साधन देना, फिर कुछ व्यक्तियों के पास संकेत धन होने से बचाना, संकेंद्रित धन नहीं होना चाहिए एक ही व्यक्ति के पास, मतलब एक समाजवादी सोच को ये दर्शाता है सिद्धांत। इसीलिए इन सिद्धांतों को समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है, इन आर्टिकलों को। उसके बाद श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा है, बच्चों के बचपन और युवाओं के का शोषण ना होने देना, समाजवाद क्या कहता है आप जानते होंगे, उसी के आधार पर इन सिद्धांतों को वर्गीकृत करके इन आर्टिकलों को रखा गया है। फिर अनुच्छेद 41 है बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता के मामले में कार्य करने का, शिक्षा पाने का अधिकार है। और आपको मैं बता दूं कि अभी भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए सरकार नीति निर्देशक तत्वों में से ही कुछ अनुच्छेद को निकालकर मौलिक अधिकार में समावेशित कर रहा है। अभी हाल फिलहाल आप जानते होंगे 6 से 14 वर्ष के लिए जो फ्री शिक्षा दिया गया आर्टिकल 21A में, वो पहले नीति निर्देशक तत्व में था, उसको निकालकर और मौलिक अधिकार बना दिया गया।
और मौलिक अधिकार अगर बना दिया गया तो उसे न्यायालय का संरक्षण प्राप्त हो गया और उसका उल्लंघन हो ही नहीं सकता है, आपको न्यायालय उसका गारंटी कार्ड है। लेकिन निधि निषेध तत्व क्या है, गारंटी कार्ड इसका कोई नहीं है। लेकिन ये सरकार की सोच होती है कि निधि निषेध तत्व में से ही कुछ तत्वों को निकालकर मौलिक अधिकार उसको बना दिया जाए, क्योंकि बीएन राव ने ही इसे मौलिक अधिकार 2 की संज्ञा दिया था। तो अब आगे चलते हैं, आर्टिकल 41 हो गया, आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 है कि राज्य काम पर न्याय संगत विचार करेगा, और प्रसूति समझते होंगे आप, डिलीवरी, मां का जो डिलीवरी होता है उस विभाग के लिए प्रावधान करेगा, उसमें राहत के लिए प्रावधान करेगा ये अनुच्छेद। मतलब ये पूछ सकता है एग्जाम में कि जच्चा बच्चा का जो जन्म, जो प्रसूति का जो देखभाल होता है उसका जो प्रावधान, उसमें जो राहत का प्रावधान है वो आर्टिकल किसमें है और कौन से तत्व में है। तो यहां पे आंसर होगा उसका आर्टिकल 42 में है और वो नीति तत्व है। आर्टिकल 43 है कि एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा सभी राज्य के कामगारों के लिए। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, जितने सारे मजदूर हैं उसको एक मजदूरी, एक आप सुने होंगे न्यूनतम मजदूरी, सुने हैं न्यूनतम मजदूरी फिक्स करने का। आप जानते होंगे कि सरकार भी अभी सारे भारत सरकार ने पूरे के पूरे केंद्र में, चाहे वो स्टेट हो कि कुछ भी हो, एक फिक्स कर दिया है एक सैलरी कि उससे नीचे सैलरी कोई किसी का नहीं हो सकता है अगर सरकारी जॉब हो तो। आप जानते हैं ग्रुप डी का भी अभी है कि 18,000 से नीचे किसी का सैलरी नहीं हो सकता है, ये सरकार अभी निर्धारित की हुई है। तो न्यूनतम मजदूरी फिक्स करना। उसके बाद है अनुच्छेद 43A, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अब उद्योगों का प्रबंधन क्या है, जो इंडस्ट्री खोले जाते हैं उसका मैनेजमेंट करवाना, ये है इसमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कि उसमें आप भागीदार बनिए, खोलिए, बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 47, लोगों का पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में वृद्धि हो, कि ये है आर्टिकल 47। अब देखिए, अब आप लोग भी सोच रहे होंगे, धीरे धीरे गौर करिए कि ये एक कितना अच्छा प्रावधान है कि एकदम एक अच्छा राज्य बनाने के लिए। आप लोग सुने होंगे राम राज्य की परिकल्पना किसने की थी, गांधी जी ने राम राज्य की परिकल्पना की थी कि राम राज्य। अब राम राज्य क्या है कि त्रेता युग में जो राम थे उनके राज्य में कोई भी जनता दुखी नहीं था, तो उसी टाइप से गांधी जी ख्वाब देखे और कोशिश भी किए। लेकिन अब संविधान थ्योरिटिकल जितना है और व्यवहार रूप में कितना है वो तो सभी जानते ही हैं। अब चलते हैं गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश, क्योंकि गांधी जी ने सपना देखा था राम राज्य का, और देखिए इसमें भी कुछ वैसा ही झलक दिखेगा। और गांधी जी के सिद्धांत पर ही ग्राम पंचायतों को बढ़ावा मिला। आर्टिकल 40 जो है पूरा का पूरा गांधीवादी से प्रभावित है। आर्टिकल 40 के माध्यम से ही राज्य ग्राम पंचायत को संगठित करेगा, राज्य के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत का गठन होगा वो आर्टिकल 40। और 73वां-74वां संविधान संशोधन में जब बलवंत राय मेहता कमेटी लेकर आए थे तो ग्राम पंचायत का संरचना लेकर आए थे, जिला स्तर पे जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, वही आर्टिकल 40 में यहाँ पे नीति निषेध तत्व में सन्निहित है। आर्टिकल 43, ये सारे जितने अनुच्छेद हैं वो क्या है, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। आर्टिकल 43 में है कि कुटीर उद्योग और सहकारी उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा राज्य। अब कुटीर उद्योग क्या होता है आप जानते होंगे, कुटीर उद्योग वो होता है कि एक ही परिवार के सदस्य सब मिलकर किसी उद्योग को चलाते हैं, या कोई स्वतंत्र काम करने वाला, कोई स्वतंत्र बिजनेसमैन अपने पूरा का पूरा पैसा लगाता है और उसका पूरा का पूरा उसी को आउटकम मिलता है, यह है कुटीर उद्योग, तो उसको बढ़ावा देने का प्रयास करता है राज्य। आर्टिकल 43 का बी देखिए, सहकारी समितियों के लिए स्वैच्छिक संगठन, अपने आप संगठन करिए, उसमें ऑटोनॉमस होना चाहिए, ऑटोनॉमस मतलब कि स्वयं आप उसके मालिक हैं, उसका वैसा ही कामकाज करिए। उसके बाद लोकतांत्रिक नियंत्रण, सभी लोगों का उस पर नियंत्रण, अपना उद्योग खोलिए और उसका स्वयं स्वामित्व करिए, यह है आर्टिकल 43B। फिर आर्टिकल 46, राज्य समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर एससी एसटी और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। और आप जानते होंगे ये गांधी जी कितना इनके बारे में सोचे थे, आप जानते होंगे कि एससी जाति को ही गांधी जी ने हरिजन वर्ग की संज्ञा दी थी, गांधी जी ने पहली बार ही हरिजन उन्हें कहा था कि हरि के जन है,
और ये इसीलिए गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत इन सब अनुच्छेदों को वर्गीकृत किया गया है। फिर आर्टिकल 47 है कि इसमें नशीले पेय पदार्थ जो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं उन सब पे रोक लगाया जाए। अब आप देखिए बिहार सरकार ने ऐसा रोक लगाया, आपको अभी जस्ट बताया था कि ये एक ऐसा निर्देश है जिसको पालन करके राज्य कल्याणकारी राज्य बनता है और सरकार भी लोकप्रिय हो जाती है। अब देखिए बिहार में जो नशीले पदार्थ जो शराब पर रोक लगा है, शराबबंदी हुआ है, इसमें एक भी आदमी ये नहीं कहता है कि गलत काम किया है सरकार ने, सभी कहते हैं कि सही काम है। हो सकता है किसी को मन भी हो पीने का, लेकिन वो भी कहा नहीं सरकार अच्छा किया है, क्योंकि वो गलत है नशीला पदार्थ का सेवन, उससे स्वास्थ्य तो हानि होता ही है, परिवार भी का भी स्तर नीचे हो जाता है और लड़ाई झगड़ा तो अलग बात है। तो यहां पर आर्टिकल 46 में ये कहा गया कि सरकार के समाज के कमजोर वर्ग, और मैं 47 की बात कर रहा था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा सरकार राज्य, ये है आर्टिकल 47। अब आर्टिकल 48 देखिए, गाय बछड़ा और अन्य दुधारू पशु के वध पर रोक लगाने का प्रयास किया गया और मवेशी को पालने उसकी नस्ल में सुधार करने के लिए। अब आप जानते होंगे कि बड़े पैमाने पर कुछ धर्म के लोग गाय का वध करते हैं, जबकि आप जानते होंगे कि गाय कितना ज्यादा लाभदायक है, गाय का तो हर एक चीज लाभदायक है, मूत्र लाभदायक है, गोबर लाभदायक है, दूध लाभदायक है और उसको मारा जाता है, तो बड़े पैमाने पर उसका वध ना हो, इसलिए नीति निर्देशक तत्व में राज्य को एक निर्देश दिया गया कि आप इन सब के वध पर रोक लगाइए, और यूपी में बहुत हद तक इस पर रोक लगा हुआ है। यूपी में योगी सरकार ने गोवध पर बहुत ज्यादा रोक लगाया है। तो जो राज्य इसका पालन करेगा वो लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा, यही है आर्टिकल, यही है नीति निर्देशक तत्व। अब आगे चलते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश, आर्टिकल 44, भारत के राज्य में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास। समान नागरिक संहिता क्या है? समान नागरिक संहिता क्या है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो, यही है समान नागरिक संहिता। अब देखिए आप जानते होंगे आईपीसी की धारा और सीआरपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी एक जैसा पूरे नागरिक को दंड देता है। जैसे मान लीजिए कि भारत में कहीं दिल्ली में कोई रेप किया और कोई बिहार में रेप किया तो दोनों को एक ही सजा मिलेगी, सेम टू सेम सजा, यही हो गया समान नागरिक संहिता। लेकिन हर जगह वैसा प्रयास करने का कोशिश किया जा रहा है, जैसे कि हिंदू में शादी अलग ढंग से होता है, मुस्लिम में शादी अलग ढंग से होता है, उसमें तीन तलाक प्रथा हो जाता है, तीन बार तलाक करने पे, यहां पे तलाक का अलग सिस्टम है। तो राज्य यहां पे ऐसा निर्देश दिया गया है कि सबके लिए क्यों नहीं एक जैसा कानून बनाइए, वहां पे बहुविवाह अभी भी प्रचलित है मुस्लिम धर्म में, हिंदू में अलग टाइप से है, वहां पे अलग है। तो इस तरह से कोशिश किया गया है कि सभी नागरिकों को हर दृष्टि से एक कानून के अंतर्गत रखा जाए, यही है समान नागरिक संहिता। और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपके सामने गोवा राज्य प्रस्तुत करता है, गोवा में समान नागरिक संहिता पूरी तरह से लागू किया गया है। तो यहां पर क्वेश्चन यह उठता है कि जब गोवा कर सकता है तो भारत के अन्य राज्य क्यों नहीं? तो इसलिए नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें आर्टिकल 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। आर्टिकल 45 क्या है कि 6 से 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था को देखकर शिक्षा प्रदान करना। अब आर्टिकल 45 में ही यह था पहले कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का अधिकार, फ्री एजुकेशन देना है। जब वो मौलिक अधिकार में चला गया, आर्टिकल 21A में चला गया शिक्षा का अधिकार में, तब यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया। आर्टिकल 21A कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में एजुकेशन पाने का अधिकार है, यह आर्टिकल 45 में पहले था, और आर्टिकल 45 से वो जब मौलिक अधिकार बन गया तो आर्टिकल 45 ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। आर्टिकल 45 में हो गया सभी बच्चों को 6 वर्ष तक की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, 6 वर्ष तक की आयु तक उसको शिक्षा प्रदान करिए, तो ये आर्टिकल 45 हो गया। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। आप जानते हैं कि भारत कृषकों का देश है, 70% जनसंख्या कृषक है, उसके बावजूद भी पैदावार अन्य देशों से बहुत कम होता है, क्योंकि यहां टेक्नोलॉजी का भी नहीं है, देखा देखी कृषि करते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी है कृषि में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी को पता ही नहीं है कब बीज डालना चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से करने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो इसलिए यहां पर आर्टिकल 48 है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, और देखिए बहुत सारे राज्य ये प्रयास कर रहे हैं।
क्योंकि नीति जैसा तत्व तो है ही ऐसा जो लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करता है। अब आर्टिकल 48 ए पर्यावरण की रक्षा करना, जो कि आज सबसे ज्यादा जरूरी है पूरे धरती पर, ग्लोबल वार्मिंग का कितना असर है आप जान रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, देश में जितने सारे वन हैं और वन्य जीव उसको कोई हानि ना पहुंचाए, ये इसका नीति तत्व में आर्टिकल 48 ए कहता है। आर्टिकल 49 देखिए, राज्य की कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक की स्थान का रक्षा करना, आप जानते हैं हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होता है, जैसे ताजमहल है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने का मतलब है कि ताजमहल अब सिर्फ भारत की संपत्ति नहीं है, ताजमहल को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो दुनिया भर के देश उसमें एकजुट हो जाएंगे उसको बचाने के लिए, इसीलिए वर्ल्ड हेरिटेज शामिल होता है। और यहां पर कहा गया है कि पर्यावरण की राज्य की कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करिए, क्योंकि वो सार्वजनिक संपत्ति है और प्राचीन है, वो वैसे वैसी कलाकारी अभी तक नहीं हो सकती है, अब तो मुश्किल ही है। देखिए ताजमहल का जो निर्माण है, अभी कितना भी सब इंजीनियर कहते हैं कि कितना भी कोशिश कर लो वैसा ताजमहल नहीं बन सकता है, बहुत ही मुश्किल कलाकारी था उसमें, कैसा इंजीनियरिंग था पता नहीं। तो इस तरह से इसीलिए उन सबों को की रक्षा हमेशा करने का ये आदेश देता है, निर्देश देता है। आर्टिकल 50 देखिए, राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। न्यायपालिका आप जानते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है संविधान, और न्यायपालिका और कार्यपालिका अगर एक दूसरे से हस्तक्षेप करने लगे तो न्याय कहां स्वतंत्र रह जाएगा फिर, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्यपालिका बहुत ज्यादा प्रभावी है आज देश में, और अगर न्यायपालिका पर वो असर डाले तो न्यायपालिका फिर स्वतंत्र रूप से कैसे काम करेगा, कैसे न्याय देगा, कैसे सजा सुनाएगा, उसको लगेगा कि हम तो न्याय सुना ही नहीं सकते, हम पे बंदिश लगा हुआ है। तो इसीलिए ये कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाइए। कुछ हद तक तो है, दिखता है कि हाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से अंदर से वो न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि आप देख लीजिए, राष्ट्रपति को आप कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है फांसी से बचा सकता है, लेकिन बिल्कुल ही वो थियोरेटिकल है, व्यवहारिक रूप से कुछ भी सही नहीं है उसमें। व्यवहारिक रूप से सारा का सारा ये संविधान में संशोधन, संसद जो है उसको विधेयक बना के प्रस्तुत पास करता है, उसके बाद कहता है क्या कि ये अब इसको फांसी देने चाहिए, तभी राष्ट्रपति का मुहर लगाते हैं। जब संसद से वो पास नहीं होता है तब तक राष्ट्रपति नहीं देते हैं। संसद अगर कह दे, अंदर अंदर वाली बात है ये, ऊपर ऊपर तो दिखता है कि हाँ राष्ट्रपति कह दिया माफ, इतना सिंपल नहीं है कि राष्ट्रपति जी माफ कर बोल देंगे तो हो जाएगा माफ, वो बस थियोरेटिकल है, व्यवहारिक रूप कुछ और कहता है। तो यही है कि न्यायपालिका को अंदर अंदर खतरा है, ऊपर ऊपर दिखता है स्वतंत्र है लेकिन अंदर अंदर खतरा है वो उसे। तो यहां पर कह रहा है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से बिल्कुल ही अलग करने का प्रयास कर लो। 51 ये घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना का प्रयास करेगा। आप जानते हैं कि आज पूरे संसार में शांति की सब तलाश कर रहा है, हर जगह युद्ध, कहीं कहीं पाकिस्तान, कुछ कुछ ऐसे असामाजिक विरोधी तत्व वाले देश हैं, जैसे अभी देखिए फिलिस्तीन सब देखिए कितना ज्यादा लड़ाई कर रहा है, अफगानिस्तान का हाल कितना बुरा है देख रहे हैं न्यूज में, अफगानिस्तान का तो बिल्कुल ही हालत बुरा है, और फिलिस्तीन इजराइल इसमें लड़ाई झगड़ा होते रहता है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया के बारे में कौन नहीं जान रहा है संसार में, चाइना नॉर्थ कोरिया सभी अभी भी अस्त्र शस्त्र पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि शांति की तलाश करना चाहिए, देश को लोक कल्याणकारी बनाइए, अपने राज्य को ठीक करिए, राज्य के लोगों की सुविधा दीजिए, तो यहाँ पे अभी लड़ाई झगड़ा करने के फेर में है। पाकिस्तान का तो बात ही अलग है, अभी भी चाहता है कि भारत पर हमेशा घुसपैठिया भेजते रहता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना और सुरक्षा का स्थापना करने का आर्टिकल 51 निर्देश देता है। और इसमें क्या क्या है कि राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाइए, दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध बनाइए और सम्मानजनक संबंध बनाइए, उसके बाद मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करिए। अगर दो देशों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहां आप मध्यस्थता करके संधि कराने का प्रयास करिए, ये आज राज्य के नीति तत्व निर्देश करते हैं। तो इस तरह से आपके सामने राज्य के नीति तत्व प्रस्तुत हुए, जिसे कि तीन वर्गों में मैंने बांटा, एक था समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत, गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत और उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत। अब आपके बुक में
उस चैप्टर में कुछ जो बाकी रह गया है वो ये है कि नीति निष्ठ तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है। तो नीति निष्ठ तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर देखते हैं। नीति निष्ठ तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से आया है और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य के अमेरिका के संविधान से आया है। दूसरा है इसका वर्णन संविधान के भाग चार में है, किसका? नीति निष्ठ तत्व का, और मौलिक अधिकार का भाग तीन में है। और इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। किसे? नीति निष्ठ तत्व। नीति निष्ठ तत्व न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार तो पूरी की पूरी तरह से न्यायालय उसका संरक्षण देता है उसे। और यह एक व्यक्ति के लिए अधिकार है। कौन? मौलिक अधिकार एक एक व्यक्ति के लिए पूरा अधिकार है और यह पूरा समाज की भलाई के लिए है। और यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार के अधिकारों को बहुत बहुत ज्यादा इसका दायरा बढ़ा है, जबकि यह मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है, यह सरकार के महत्व को घटाता है। और यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है और यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। जिस समय आप 18 वर्ष के हुए नागरिक हुए सारा का सारा अधिकार आपको मिल जाएगा, लेकिन यहां पर लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। उसके बाद यह सकारात्मक आदेश है नीति निर्देशक तत्व, और मौलिक अधिकार नकारात्मक सिद्धांत पर आधारित है। नकारात्मक सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि हमेशा राज्य को यह निर्देश देता है मौलिक अधिकार कि आप ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व है ये कर सकते हैं, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, अच्छे से आदेश जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। ये हुआ मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में कुछ अंतर, जो कि बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब एक और टॉपिक है इसमें कि आपके बुक में ये भी दिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है और आपके बुक में भी है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से प्रस्तुत किया हूँ कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों की घोषणा पत्र किस रूप में सम्मिलित हुई है। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान December 1996 में लागू हुआ था, और जब तब लागू हुआ जब रंगभेद वाली सरकार जब हटी, उसी समय में बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति थी और उसी समय में ये लागू हुआ। तो इसमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है। गरिमा का अधिकार, गरिमा का मतलब प्रतिष्ठा, एक आदमी का क्या गरिमा होना चाहिए। उसके बाद निजता का अधिकार, जो कि भारत में भी दिया गया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, यहां भी दिया गया दक्षिण अफ्रीका में भी। श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, मजदूरों से संबंधित है, श्रम संबंधित समुचित व्यवहार का अधिकार। स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया गया। बाल अधिकार दिया गया है। बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार दिया गया। सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदाय का अधिकार दिया गया। सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। यहां पर एक सवाल आप लोगों के मन में होता होगा कि दक्षिणी अफ्रीका का यहां पर अधिकार क्यों दिया गया है। तो ये आप लोग को जानने की जरूरत है कि यहां पर तुलनात्मक अध्ययन 11th क्लास से ही शुरू कर दिया गया है। तुलनात्मक अध्ययन अध्ययन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप यूपीएससी एग्जाम में भी अगर तुलनात्मक अध्ययन से क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा यूपीएससी बीपीएससी में। तो यहां पर बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि तुलनात्मक अध्ययन आप कैसे करते हैं, क्या दक्षिण अफ्रीका में कितने अधिकार है और भारत में देखिए कितना अधिकार है, दोनों देशों से तुलना करिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो यहां पर स्पष्ट पता चल जाएगा कि यहां पर बहुत कम ही अधिकार दिए गए दक्षिण अफ्रीका में, और भारत में तो अधिकारों की सीमा ही नहीं, कितने अधिकार दिए गए हैं। इतना अधिकार दिया गया है कि लोग खुद ही कहता है कि इतना अधिकार तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, थोड़ा सा पाबंदी होना चाहिए। आप देखिए, एक सिंपल सा बात है कि भारत में जो वेबसाइट होते हैं इंटरनेट वाले, उस पर मूवी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कभी कुछ एक्शन हुआ है? पायरेटेड मूवी डाउनलोड करते हैं, कल लगा, चार दिन के बाद वेबसाइट पे आ जाता है पायरेटेड मूवी को, आप उसको तुरंत डाउनलोड करके देख लेते हैं। आप अमेरिका में ऐसा नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में आपको परमिशन लेना पड़ेगा, उसमें पे करना पड़ेगा कि आप हम डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं। सोचिए भारत में कितना ज्यादा स्वतंत्रता मिला हुआ है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत में अधिकार जो है बहुत ही ज्यादा मिला है। किसी भी देश से अगर तुलना करें तो उससे ज्यादा अधिकार हम लोग को मिला हुआ है। लेकिन वही है कि कुछ लोग उसका दुरुपयोग ज्यादा करने लगते हैं। यही कारण है कि हम लोग का भारत जो है वो अमेरिका सबके लेवल में खड़ा नहीं हो पाता है। बस उसी को ये जो हमारे जो किताब है, ये जो बुक है, ये संविधान है, इसको अक्षरशः सत्य अगर कर दिया जाएगा तो हमारा भारत अमेरिका का ही बन जाता और बन जाएगा। तो आगे चलते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अधिकार की बात हुई, अब ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में इतना ही था, इसीलिए मैं यहां पर एंडिंग करने के लिए यहां आया था कि
जो नीति निषेध तत्व है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और इस दोनों में क्या भेद है मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व में, और कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कितना ज्यादा अधिकार दिया गया है। अब लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए, क्योंकि मैं अपने चारों क्लास में कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं दिया था, तो यही पर मैं दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय यहां पर दिया हूं। दीर्घ उत्तरीय में कई बार पूछता है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अधिकार का विस्तार से वर्णन करिए, फिर उसके बाद है कि पूरा का पूरा मौलिक अधिकार का भी वर्णन करने के लिए कहता है संक्षेप में, ये सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो मैंने बताया था आर्टिकल 32 पिछले क्लास में, फिर मौलिक कर्तव्य जो 11 है उसका क्या महत्व है, और राज्य के नीति निषेध तत्व से क्या समझते हैं आज का क्लास में मैं बताया, और प्रमुख नीति निषेध तत्व की उल्लेख करिए। और आप ये भी जान जाइए कि जिस तरह से मैं वर्गीकृत कर किया हूं गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी, उस तरह से वर्गीकृत करके आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको नंबर कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा मिलेगा। उसके बाद निवारक निरोध आपको मैं बताया था आर्टिकल 22 की, जिसमें कि निवारक निरोध में जो इंदिरा गांधी की थी वो उस समय में, जिस समय में मीसा के तहत लालू यादव को भी गिरफ्तार कर दिया गया था, तो वो निवारक निरोध का कानून सब था। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का यहाँ पर उत्तर भी दे दिया गया है, जैसे कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार आवश्यक क्यों है, तो ये सब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद फिर लघु उत्तरीय कुछ प्रश्न आपके सामने है। लघु उत्तरीय प्रश्न में है जैसे कि दो नीति निषेध तत्व की का उल्लेख करें, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए मौलिक अधिकारों का अर्थ और परिभाषा लिखिए। ये छोटा था इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैं यहाँ पे आप लोगों के मदद के लिए, एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर चुका हूँ। फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, पिछले क्लास में मैंने बताया था आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार में रीट दिया गया था, लेख, आदेश, याचिका, उसी में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है। फिर उसके बाद भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पर किन परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसके बाद फिर आपातकालीन स्थिति में नागरिकों के मूल अधिकार क्या क्या स्थगित किए जा सकते हैं, कौन कौन किस तरह से है, उसके बाद मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व में क्या अंतर है जो आज बताया गया। इस तरह से आपको प्रश्न उत्तर के माध्यम से यहाँ पर मैं आप लोगों का मदद करने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत कर चुका हूँ। तो इस तरह से मेरा आज ये पूरा का पूरा क्लास जो भारतीय संविधान में अधिकार चैप्टर है आज खत्म होता है। ओके बच्चों, थैंक यू।